मतलब प्रयाग से किधर आए थे यहाँ पर आके वो लोग घूमने के लिए आए थे, तो उन्होंने यहाँ का जो माहौल देखा कि यहाँ का माहौल कैसा है, कैसे लोग हैं, क्या है, तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ एक व्यापार कदम जमाने के लिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ व्यापार की परिस्थिति को उत्पन्न किया कि वो सबसे पहले यहाँ पर व्यापार करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की ईस्वी सन 1600 में, जिसमें 15 साल का उनका आदेश पत्र था। महारानी एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की रानी थी, उनका ये था कि वो 15 साल तक यहाँ पर व्यापार करें। तो उन्होंने प्रथम व्यापार मसाला का किया, जैसे लाल मिर्च, धनिया वगैरह होता है, इनका वो व्यापार करते थे, तो वो वहाँ से जाते थे और यहाँ का व्यापार करते थे। तो उसमें क्या था, उन्होंने क्या किया, जैसे व्यापार का धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं हमारा व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये जो संधि पत्र था, यानी 15 साल का उनका पत्र था जिसे चार्टर कहा जाता है, उसमें थोड़ी वृद्धि करा दी, वो और साल में यहाँ पर व्यापार करते। तो उन्होंने सबसे पहले सूरत में कारखाना खोला था जो 1613 में खोला गया था। तो ये जो कंपनी थी वो 1613 में कारखाना खोल गई थी। तो उन्होंने सोचा हम अपने व्यापार में थोड़ी वृद्धि लाए जाए, सिर्फ मसालों तक नहीं वस्त्र उद्योग भी किया जाए। 1620 में उससे पहले उन्होंने वस्त्र उद्योग खोलने का सोचा, तो उनसे पहले उन्होंने 1613 में जो यहाँ पे हमें फूल का कारखाना है उसको खोलने में उसको बहुत कठिनाइयाँ आई थी। उन्होंने सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। इस व्यापारी अधिकारी ने क्या किया, तो एक अपने जो उस समय के वहाँ के राजा थे उनका नाम था जहांगीर मुगल बादशाह, मुगल के वो बादशाह थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ से एक कैप्टन को भेजा कि वो जाओ आप वहाँ से संधि करके आओ। तो राजा के पास गए तो राजा ने क्या बोला कि नहीं, क्योंकि उस समय पर राजा और पुर्तगालियों के बीच में लड़ाई चल रही थी इसी व्यापार को लेकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम अभी आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप व्यापार करो, तो इसलिए उन्होंने व्यापार के लिए मना कर दिया। पर अंग्रेज बड़े साथी थे, उन्होंने कुछ देर उनसे मित्रता की और उन्हें अपनी बातों में उलझा कर व्यापार की अनुमति दी। व्यापार की अनुमति लेने तो सूरत में कारखाना खोला गया 1613 में, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार में वृद्धि करते रहे। सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा जैसे उन्होंने उद्योग के वृद्धि करते रहे। 1620 में व्यापार में वृद्धि की गई जो कि अहमदाबाद और मिर्जापुर, सबसे पहले कहाँ था, सूरत में कारखाना खुला था, उसके बाद अहमदाबाद में खुला और मिर्जापुर, धीरे धीरे के व्यापार में वृद्धि होती गई। फिर 1630 में सूती और रेशमी वस्त्र का उद्योग हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ मसाले का उद्योग होता था, फिर उन्होंने कपड़ों पर गए वस्त्र के बाद उन्होंने सूती रेशमी कपड़ा वस्त्र उद्योग भी स्थापित कर दिया। सबसे पहले उन्हें सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग भी स्थापित कर दिया, अब क्या 1630 में स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने 1630 में किया, ये जो पूरा समय था वो कितना था, तो इंग्लैंड की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका व्यापार का था 90 साल। 90 साल तक उन्होंने कितने साल की परमिशन ली थी, 15 साल की परमिशन ली थी, बन लिया कितना 90 साल तक उन्होंने यहाँ पे व्यापार किया। इस व्यापार काल के दौरान उन्होंने मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाहों को अपने अधीन कर लिया। अंग्रेजों से पहले इन बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का अधिकार होता था, मतलब व्यापार को वही संभालते थे, पर अंग्रेजों ने क्या किया, मुंबई और कोलकाता का जो बंदरगाह था उस पर खुद का अधिकार ले लिया कि वो अब खुद व्यापार करेंगे, खुद ही वहाँ पे सब कुछ संभालेंगे। इसलिए 1857 में बंगाल में उन्होंने अपने पैर जमाए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बंगाल में पैर जमाए, वहाँ से उनकी उन्नति थी वो शुरू हो गई थी। 1757 से लेकर 1857 तक उन्होंने पूरा भारत देश में अत्याचार किए, वहाँ की कानून व्यवस्था को बदल दिया, अपने अधीन कर लिया, मतलब अगर कुछ भी कोई अगर अपनी शिकायत लेके जाता तो उन्हें कुछ नहीं होता। जो अंग्रेज सरकार थी वो क्या करती थी, खुद के अधीन कानून रखती थी, तो उन पर कोई असर नहीं होता था, बल्कि जो गरीब लोग थे, जो भारतवासी थे, उन्हें ही पकड़ पकड़कर जेल में ले जाया गया था। तो इसके बाद इन सब के बाद क्या होता कि हमारी कानून व्यवस्था उनके अधीन हो गई थी, हमारी सरकार उनके अधीन थी, जो राजा वगैरह थे वो भी अधिकतर अंग्रेजों से मिल चुके थे। क्यों मिल गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, फूट डालो राज को। हमारे राजाओं के बीच जो मतभेद थे, इन्होंने क्या किया कि दो राजाओं के बीच फूट डालने की, उनके बीच बुराइयाँ करके उनके फूट डालकर राज करने लगे। तो क्या हुआ, इससे हमारा भारत देश वो धीरे 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 अंग्रेजों का गुलाम बनता गया, और पूरे भारत देश पर अंग्रेजों ने अपनी गुलामी, जो अपनी पूरे भारत देश पर अंग्रेजों ने अपना राज चलाया। 100 साल का उनका शासनकाल था, 90 साल उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में शासनकाल किया, उसके साथ ही 100 साल पूरे भारत में उन्होंने शासनकाल किया था, जिस दौरान हम जानते हैं बहुत से आंदोलन हुए थे जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि 1857 का संग्राम वो क्या था, किस प्रकार था, उसमें कौन किसने भाग लिया था, कौन शहीद हुआ था, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।